पीटीआई केपीके में गवर्नमेंट कर रही है, मुस्लिम लीग वफाक में कर रही है, पंजाब में पीटीआई है और कराची में पीपल पार्टी है। ये सब चोर हैं, ये डाकू हैं, ये एक दूसरे को डाकू कहते हैं। खुदा की कसम, इन वजीर आला ने, वजीरों ने और इन एमपीए ने, एमएनए ने आज दिन तक पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमारे खून पसीने की कमाई खाई है, ये हमारी तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे गरीब लोगों से पैसा ले रहे हैं, ये ठेकेदारों के चेले हैं, ये इस मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। आज दिन तक किसी एमपीए एमएनए ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, किसी वजीर आजम ने, वजीर आला ने कुछ भी नहीं किया। अगर किया तो इस आवाम ने किया, इस मुल्क की आवाम ने। जो आईएमएफ से पैसा आता है, वो आईएमएफ का पैसा कहाँ जाता है? वो हमारे वजीर आजम के पास जाता है। हमारे 80 वजीर हैं सूबाई गवर्नमेंट के, हमारे सूबाई गवर्नमेंट में और कौमी गवर्नमेंट में इतने लोग हैं जो खा जाते हैं। इस महंगाई के पीछे हमारी इंतजामिया का बहुत बड़ा हाथ है, वो बकायदा तौर पर इनसे डीएडीए लेते हैं। इन बड़े बड़े ताजरों के साथ हमारे डीसी और एसी बैठे हुए रले हुए हैं। हम पर जोर मजम्मत करते हैं इस बात की कि उनको हमने फोने भी की, हमने कहा जखीरा अंदोजी इतनी शदीद किस्म की है, हवेलियां के अंदर गोदाम भरे हुए हैं, हरनौ के अंदर गोदाम भरे हुए हैं और किसी ने भी छापा नहीं मारा। हम इस महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उल अजीज हम इस महंगाई के खिलाफ जिहाद करेंगे इंशाल्लाह। सारे लोग कोई अगर हो या ना हो, मैं इंशाल्लाह इन गरीबों की आवाज बनकर महंगाई के खिलाफ खड़ा हूँगा।